तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर खुशखबरी दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्पाइस मनी या फिर पे नियर बाय यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों के प्ले स्टोर में जाकर चेक कीजिए, वहाँ पर आपको अपडेट दिया गया हुआ जिसमें आप मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हो अगर आप स्पाइस मनी यूज कर रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पर अपडेट करने के बाद ये फीचर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको हिस्ट्री जाकर चेक कीजिएगा तो वहाँ पर जो भी आपका ट्रांजेक्शन फेल हो रहा था वो भी आप यहाँ पर आपको शो करेगा वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपका नया अपडेट आ गया है और इसमें जो है अपडेट में ये फीचर जोड़ा गया है। दोस्तों यहाँ पर आप पे नियर बाई यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको जो ट्रांजेक्शन फेल होता था वो भी आप चेक कर सकते हो। टाइम, डेट, ट्रांजेक्शन आईडी, ऑर्डर नंबर वगैरह वगैरह सब आपको यहाँ पर शो करेगा। साथ ही साथ अगर आपका फेल हो जाता है तो आपको रिफंड मनी का जो भी ऑप्शन था यहाँ पर स्पाइस मनी में, तो आपको यहाँ पर कंप्लेन में जाना है, नीचे में ऑप्शन होता है वहाँ से जाकर कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन अगर पे नियर बाई यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आपको एक बैलेंस रिफंडेड का ऑप्शन आ गया है, वहाँ से आप जाकर कंप्लेन दर्ज कर सकते हो और आपका रिफंडेड आ जाएगा। बेसिस ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5 दिन लगेगा, क्योंकि पहले जो 15 दिन लग रहे थे, लेकिन अपडेट के बाद अगर आप कंप्लेन करते हो तो 5 दिन में आपका पैसा आ जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आप बता दें, यहाँ पर एक और भी अपडेट आया है जिसमें आप यहाँ पर बता दें पे नियर बाई में है तो यहाँ पर एक देखिएगा आधार पे का ऑप्शन आएगा। आधार पे क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आप वही पे जो आधार विड्रो करते थे सेम है, लेकिन यहाँ पर जो पैसा आपका कोई फंसता नहीं है, लेकिन ये पैसा जो है आपके वॉलेट में चला जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिए, आप जो भी पैसा है उसको आप यहाँ पर ट्रेड बैलेंस में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आधार विड्रो से ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, और यहीं पर जो लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर निकल के आई है यही अपडेट है, और साथ ही साथ जो भी बग को यहाँ पर ठीक किया गया है और इसी के हिसाब से यहाँ पर अपडेट दी गई है। और आगे चल के यहाँ पर हो सकता है पे नियर बाई में भी आपको मिनी स्टेटमेंट निकालने का ऑप्शन मिल जाए, और फिलहाल भी यह नहीं है ऑप्शन। साथ ही साथ यहाँ पर जो है कमीशन वगैरह वगैरह सब जो सेम ही है, यहाँ पर आपको 2% रिचार्ज पर मिलता है। और वही आपको यहाँ पर बता दें, यहाँ पर अगर आप बिजली का भुगतान करते हैं फर्स्ट बार अगर स्पाइस मनी से तो आपको 500 रुपये का कैशबैक मिलता है। वहीं आपको यहाँ पर स्पाइस मनी का और बता देते, यहाँ पर जो है आप जो भी रिचार्ज पर 2% कमीशन है, और जो आपका पेन है वहाँ पर आपको 50 रुपये कर दिए गए हैं शायद, वहाँ पर आपको अब एक पेन पर आपको 50 रुपये मिलेंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, और ऐसे ही हमारे जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, वंदे मातरम।